आज मैं एक टी टाइम स्नैक्स बिस्किट जो भी बोलो एक शेयर करने वाली हूँ, जो मैं घर के बना के रखती हूँ बच्चे के लिए। हस्बैंड को टिफिन भी भेजने में अच्छा होता है जल्दी में, तो आ जाइए। जो लगेगा एक कप मैदा, जीरा जो क्यूमिन सीड भी बोलता है, मैं वो कितने लगेगा वो बोल दूंगी, लिख दूंगी मैं। और एजवान, तिल, उसको क्या बोलते हैं तिल को, नमक, घी, पानी तो जरूरी ही है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, एजवान करीब 1-2 टीस्पून जैसा होगा। थोड़ा सा ऐसे घिस के दीजिए क्योंकि थोड़ा सा स्मेल अच्छा होगा। सारे डाल दीजिए एक एक करके। हल्दी, नमक, वो तो उसका टेस्ट के हिसाब से डालिए। घी चाहिए, घी आपका 2 टेबलस्पून जैसा। अभी सर्दी है, थोड़ा सा जम गया है, वो आप गरम करके भी डाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। सारे एक साथ मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से करना चाहिए, जब तक मतलब मोयन बोलता है, जब मोयन ठीक से नहीं होगा तो वो क्रांची भी नहीं होगी। उसको लगातार ऐसे करते जाइए। जब तक ऐसे हो जाए, इस मुट्ठी में आ जाए, मतलब हो गया मोयन, खाने में बहुत टेस्टी होता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगती है। मैं सारा क्या क्या दिया मैं नीचे लिख दूंगी। मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही सकता है, तो जो जो देखे मतलब देखने वाले हो माफ कर देना। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, नहीं तो फिर ये हो जाएगी, ज्यादा गिर जाती है। इसको बिस्किट भी बोल सकती हो, माठरी भी बोल सकते हो, तिल माठरी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे थोड़ा सा नरम दो होगी, मतलब आटा से करीब ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब हार्ड भी नहीं एकदम पतला भी नहीं। इसको थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी है, तब तक हम लोग कढ़ाई में जो तेल है वो गरम कर लेते हैं। ऐसे कवर करके रख दो साइड में। रिफाइन ऑयल में एक फ्राई करूंगी, रात का टाइम है थोड़ा सा, इसलिए लाइट का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और मेरा और एक प्रॉब्लम है, हिंदी का बहुत प्रॉब्लम है, हाँ तो इसलिए हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता ही है, तो इसलिए माफ कर देना।
फ्राई हो गया है, ऐसे होगा आटा देखने में थोड़ा सा नरम। तो मैं नीचे करती हूँ कि एक साथ बेल लूंगी उसको। आटा लगाना जरूरी है, नीचे ऐसे थोड़ा सा आटा मैदा कुछ भी हो ऐसे कर दीजिए। दो हिस्से में कर लीजिए। थोड़ा सा मोटा बेलना पड़ेगा। थोड़ा सा मोटा ऐसे ही मोटा होगा, इतना तक ये होना चाहिए मोटा। कोई भी ऐसे राउंड शेप भी ले सकते हो, स्क्वायर में भी ले सकते हो, जैसे जिसका आपका पसंद है, छोटा बड़ा कोई भी। ऐसे इसको रिंग रिंग काट लीजिए। ऐसे रिंग कर लीजिए सारे। ऐसे एक फॉक के बजे लेके सारे ऐसे छेद कर दीजिए, नहीं तो फूल के ऊपर हो जाएगी, माठरी जैसा नहीं होगा। पीछे भी गोता है ना, पीछे भी कर दीजिए। ऐसे सबको उल्टा करके निकाल लीजिए ऐसे, और फिर उठा उठा के रख लीजिए। उसके साथ गूंद लूंगी। ऐसे पीछे भी थोड़ा सा कर लीजिए जितना हो, जो जो सके। अभी फ्राई करूंगी। जब तक ना गोल्डन ब्राउन ना हो जाए रहने दीजिए। मेरा तेल थोड़ा सा ज्यादा ही गर्म हो गया। करीब एक कप में इतना सा होता है। ऐसे तोड़ोगे तो ऐसे आवाज आएगी। आ गया मेरा छोटी छोटी गुड़िया, हाँ वो भी बनाने वाली है, मुझे खिला रही है, तुम खा लो। एक बना के देखो, अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अच्छा लगे तो फिर बताना जरूर, और एक वीडियो लेके आऊंगी जो भी मतलब घर में बनाती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय।